इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो तीनों भाइयों ने तप किया, वरदान मिला, मैदानों जो राक्षसों के दैत्यों के विश्वकर्मा है उन्होंने अपनी पुत्री मंदोदरी जी का विवाह रावण से किया। पाताल जाकर राक्षस विधि से दोनों भाइयों का विवाह करके लाया। बड़े भाई कुबेर जहाँ रहते थे सेवकों को लगाया इनको मार भगाओ, वहाँ राजधानी बनाया। पुष्पक यान था कुबेर जी के पास, महात्मा महाराज रघुजी ने दिया था, छीन लिया। आहरण वृत्ति ये आसुरी वृत्ति है। कोई हमको सामान अपने आप दे दे ये तो प्रेम वृत्ति है, हम ले लिए वापस नहीं करें ये आसुरी वृत्ति है, और जबरन ले ले तो राक्षसी वृत्ति है। रावण और रावण का समाज यही करता था। देखिए भारतीय संस्कृति सनातन संस्कृति पूरे विश्व में आज बंधन पा रही है, मान्यता बढ़ती जा रही है, परंतु हमारी संस्कृति ने न लोभवश न लाभ दिखाकर और न हथियार दिखाकर किसी को सनातन धर्म में हम सम्मिलित नहीं करते। हमारे संस्कार को देखकर लोग सनातन धर्म में जुड़ते चले जा रहे हैं, पूरी दुनिया में जुड़ते चले जा रहे हैं। श्री कृष्ण भावनामृत संग इस्कान जिसका नाम है, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, अमेरिका में हलचल मचा रखा है। भारत में भी अनेक ऐसा कोई नगर नहीं जहां मंदिर नहीं हो, भगवान श्री राधा कृष्ण जी का श्री सीताराम जी का दिव्य है तीर्थ स्वरूप है। अनेक समाज हमारा गुजरात से अयोध्या जी से निकला, छपिया नगर से अयोध्या जी के कितने किलोमीटर है भाई जी, छपिया 7 किलोमीटर, छपिया जहां से प्रातस्मणी पूज्य भगवत स्वरूप श्री स्वामीनारायण संप्रदाय प्रारंभ हुआ है, पूरी दुनिया में भगवान की पावन सेवा है, लड्डू गोपाल सरकार आनंद करते। ये एक नहीं, गायत्री परिवार फैले जा रहा है, यही नहीं दुनिया में घूम रहा। कोई लोभ नहीं, लाभ का दर्शन नहीं, केवल सिद्धांत और प्रेम के बल पर पूरी दुनिया सनातन संस्कृति के प्रवाह में बहती नजर आ रही है। कोई आतंक नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई लोभ वृत्ति नहीं। अभी आपने कल देखा होगा कानपुर में 6,000 भगवान राम के स्वरूप पुष्पक यान में आरूढ़ हो गए। कितना? 6,000 राम भगवान पुष्पक यान में विराजमान हुए। विश्व हिंदू परिषद के साधकों ने वो संकल्प किया था, रेलवे में मैदान पूरा खचा खच भरा, कितने राम जी स्वरूप आए? 6,000 स्वरूप। पुष्पक यान बना था, वहां लोग बैठे और सबके साथ हनुमान जी भी बैठे थे, उनकी सेवा में बैठे थे पूरी प्रजा। ये संस्कृति हमारी वंदना की संस्कृति है, स्वीकार की संस्कृति है, तिरस्कार की संस्कृति नहीं है, दबाव की संस्कृति नहीं है। कई लोग कहते हैं यहां गए वहां गए ऐसा किया वैसा किया, देखो आप अब वो कहेंगे तो आप किसी को अभ्यास हो जाएगा, वो नहीं कहेंगे सीताराम ऐसे रखो। अनेक विधा है, अनेक परंपराएं हैं, जिसमें चाहो प्रवेश कर जाओ। साध वृत्ति सत्व वृत्ति, चलो राजस वृत्ति तामस वृत्ति नहीं। रावण का समाज बढ़ने लगा, सृष्टि में कैसे कैसे उत्पात हो, रावण सबको समझाने लगा, समझाते समझाते एक दिन रावण स्वयं भी गदा उठा लिया। चलत दशानन दौलत अवनी अवनी, ऐसा उसका ऐसा उत्पात बढ़ गया उसका। ध्यान रखिएगा
जो संस्कृति उत्पात में प्रवेश कर जाती है वो अपनी अंतिम यात्रा की ओर बढ़ती है। जो व्यक्ति उत्पात करता है उसकी भी स्थिति इस गतिमति में चली जाती है। जो संस्कृति स्नेह प्रेम के विस्तार के साथ चलती है वही जीवन भर अक्षुण रहती है और सबको जोड़कर अपने में लीन कर लेती है। रावण यही शिक्षा देता था, ये सत्कर्म बंद करो, वो बंद करो, वैसा बंद करो, वैसा कैसा देखिए। जब जोग वाचक लोगों को बहुत मारता था राम। हाँ, ते बहुविधि त्रासई देश निकासई, दिखाई ना पड़ना। हाँ नहीं तो हाँ, जो कह वेद पुराना, क्योंकि वेद में तो भगवान की चर्चा है। जहां भगवान की चर्चा है वहां सत्कर्म स्वयं अभिवृद्धि को प्राप्त। बरन न जाये यनी घोर निसाचर जो कर हिंसा पर्यति प्रीत इनके पापहि कबनी नीति। उनके पाप की गणना क्या करना, पाप की चर्चा ही क्यों करना। उत्पात देखकर धरती अकुल आ गई, मुनि गणों के पास गई, मुनि लोग ब्रह्म लोक पधारे, गौ रूप में धरती अम्बा को लेकर, ब्रह्मा जी सबको लेकर कैलाश पधारे। विचार होने लगा परम प्रभु कहाँ मिले, कहाँ पाई प्रभु करिए बिचारा। सब कोई कहे वैकुंठ चलते हैं, क्षीर सिंधु चलते हैं, यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं। माँ ने पूछा बाबा आपने क्या कहा, बाबा बोले देवी अवसर मिला तो मैंने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समान प्रेमते हरि। भगवान श्री हरि सर्वत्र विराजमान। प्रेम से वो प्रत्यक्ष हो जाते हैं ये मेरा अनुभव है। प्रेमते अग जग मैं सब रहित विरागी प्रेमते प्रभु प्रगटे जिमी। सभी तत्व सभी तत्वों में निहित है। भगवान ब्रह्मा जी ने प्रशंसा किया, साधु वचन साधु वचन साधु वचन, और बोले सब लोग मेरे साथ भगवान को पुकारिए, स्मरण करिए, गाइए, भगवान अवश्य कृपा करेंगे। और ब्रह्मा जी के चार मुख, चार मुखों से चार स्तुति के छंद आइए, हम लोग मिलकर गाते हैं। जय जय सुर नायक जन सुखदायक कनक पाल भगवन गोपी के हितकारी जय मर मन जाए
परम भयातुर नमत भय सुरभु वचन समेत गगन गिरा गंभीर इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।